चलिए, लास्ट क्लास में हमने कंडीशन देख लिया था। कंडीशन देखने के बाद अब सोर्सेज देखेंगे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना। सोर्सेज देखने के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। सर, सोर्सेज क्या मतलब है? सोर्सेज का मतलब है कि भाई पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे। सर, पैसा कहाँ से लाने का मतलब क्या है कि आप जो पेमेंट करोगे उसका इंतजाम, वो है सोर्सेस। तो बोला गया कि बायबैक करने के लिए सबसे पहले तो आप इक्विटी शेयर याद करो। उसमें जो पांच पॉइंट थे ना इक्विटी शेयर में, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, देखो उसमें था प्रिलिमिनरी रिटर्न ऑफ करने के लिए, सीख लिया चैप्टर में, प्रैक्टिकल भी देख लिया। उसमें था बोनस इशू करने के लिए, वो भी चैप्टर में प्रैक्टिकली देख लिया। उसमें था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में, वो भी प्रैक्टिकल में अप्लाई कर लिया। उसमें क्या था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, वो भी देख लिया। उसमें एक बायबैक वाला रह गया था ऑप्शन, जो आज भी देख लिया। तो वो पांच पॉइंट ना अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो बायबैक के लिए बोला गया कि आप सबसे पहले यूज करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम का, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम आप रिस्ट्रिक्टेड हो, हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको जब ऑप्शन मिले ना कि यहां पे आपको खर्चना हो, देखो आपके पास दो ऑप्शन मिले, एक बेकार नोट है जो चल नहीं रहा कहीं, भले ही वो 100 का नोट है, और एक 10 का नोट है जो साफ है। आपने 10 रुपए का सामान खरीदा तो आप 10 रुपए वाला नोट नहीं दोगे, बोलेंगे इसे चला लेते हैं पहले। तो कहानी यही है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, पांच ही जगह रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। अब आपको अगर यूज करने का मौका मिले सिक्योरिटी प्रीमियम और अपना P&L, तो किसको पहले करोगे? क्योंकि अगर आप अभी चूक गए तो ये पड़ा ही रहेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो पहला पॉइंट, किसका पैसा लेंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर दो, आप जनरल रिजर्व ले लो। नंबर तीन, आप स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ले लो। नंबर चार, एनी फ्री रिजर्व, एनी फ्री रिजर्व। इस पैसे का इस्तेमाल करना है। सर, इस पैसे का इस्तेमाल करके आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसको यूज करके आपको बनाना पड़ेगा CRR। सर, जब आपको बनाना पड़ेगा CRR, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर होगा क्या कि एंट्री करनी पड़ेगी आपको। तो ये सारे आइटम आपको बैलेंस शीट के क्रेडिट में दिखता है, याद होगा, हाँ या ना? दिखता है ना क्रेडिट में, लाइबिलिटी में। अब जब इसका यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डेबिट। सर, कितना CRR बनाना होता है? इक्वल टू 100% ऑफ फेस वैल्यू। तो CRR की एंट्री क्या होगी? एंट्री हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हो सकता है जनरल रिजर्व अकाउंट, और टू हो जाएगा CRR। जिसने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया होगा वो अच्छे से जानता होगा इस एंट्री को, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाले में आपको याद होना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेते थे CRR बनाने के लिए, याद रखना इस बात को। और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिया जाता है CRR बनाने के लिए। तो यहां पे अमाउंट डाल देंगे। सर, इसके अंदर मैंने भले ही आपको सीक्वेंस बताया कैसे करना, अब कोई बच्चा बोले मैं तो जनरल रिजर्व से करूंगा, कर लो भाई। तो यानी कुछ पैसे इसमें से लेना चाहता हूं तो कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपके बुक का एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं पहले। आपके बुक का एग्जांपल नंबर 1, तो आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन द बुक्स, कुछ आपको इक्विटी शेयर दे रखा है, कुछ CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व और सरप्लस, रिवेल्युएशन, प्रॉफिट एक्सपर्ट, बड़े सारे रिजर्व दे रखे हैं। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ बायबैक, आपको बताना है कि ऐसा क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो बायबैक करने के लिए। तो आप पॉइंट देखिए क्या क्या बोलता है बायबैक करने के लिए, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको दे रखा है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या CRR यूज कर सकते हैं बायबैक के लिए? तो जवाब है नहीं। CRR का इस्तेमाल हो सकता है ओनली एंड ओनली बोनस इशू के लिए।
क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हो सकता है 25,000? जी हाँ, तो यहां लिखूंगा मैं सिक्योरिटी प्रीमियम और ये 25,000 इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपका रेवेन्यू रिजर्व बायबैक के सोर्सेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हाँ, रेवेन्यू रिजर्व हो सकता है। कितने रुपए का है बताओ? 50,000 का। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या सरप्लस बायबैक के लिए यूज हो सकता है? यस। कितने रुपए? 5,000। यहां पे आप एक बात बताना, कुछ बच्चे ना कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, वैसे तो रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के बाद करा था तो ज्यादा बढ़िया था, वैसे उसी के बाद देखना आप। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर हमने फ्रेश इशू करा हो तो क्या सीआरआर वाला वो वाला पंगा होगा, जो कि फ्रेश इशू करा तो सीआरआर कम बनेगा? तो जवाब है सर आप फ्रेश इशू तो कर ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो यहां पे आपको सीआरआर 100% बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है सर? सरप्लस के बाद है रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो सर मैं एक चीज बता दूं, कुछ ऐसे रिजर्व हैं जो कि रीवैल्यूएशन रिजर्व किसी स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड हुए रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है, तो वो फ्री रिजर्व नहीं है, वो उससे बंधा हुआ है। बिल्डिंग रिजर्व बोल दिया मैंने, तो वो बिल्डिंग से कनेक्टेड है, फ्री नहीं है, वो बिल्डिंग के लिए है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो आप? तो मैंने यहां पे क्या कहा, कह रखा है रिवैल्यूएशन रिजर्व जी नहीं यूटिलाइज कर सकते, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगा तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली बनाया है, तो क्या इसका इस्तेमाल कर ले हम? नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, अब आगे कह रखा है अगर यूटिलाइज, तुम खुद कह रहे हो यूटिलाइज तो कर लेंगे यूटिलाइज। तो क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट? अगर नहीं बोलता यूटिलाइज ना तो मुझे पता चल जाता इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं यूटिलाइज हरगिज नहीं करता इसको। तो कितना हो गया? 20,000 रुपए। इसके बाद और आगे बढ़े इन्वेस्टमेंट के बाद, एक आपका 10% डिबेंचर का कोई रोल नहीं है, बैंक लोन का कोई रोल नहीं है। यहां पे कहता है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, कह रहा है यूटिलाइज करने को, कर लेंगे। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितने का है? 21,000। और तो कुछ बचा नहीं है, और कुछ बचा नहीं, सबको जोड़ लो और यही हो सकता है बस रिजर्व। 25,000, 50,000, 5,000, 20,000 और 21,000, कितने आ गए? 21 आप सीआरआर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, फ्री रिजर्व सारा यूज करेंगे, कौन सा रिजर्व फ्री नहीं होता? मैंने बोला मान लेते हैं कि मोटर व्हीकल रिजर्व बना रखा है तो जी फ्री नहीं है, वो अटैच्ड है। बिल्डिंग रिजर्व बना रखा है, वो अटैच्ड है। अगर क्वेश्चन बोले बिल्डिंग रिजर्व है यूटिलाइज करो तो कर लेंगे, समझ रहे हो ना बात को। और सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमेशा यूज करना है, तो ये सारा हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कुछ एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए मैंने आपको क्या कहा, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है रुपीज टेन लैख, इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹10,00,000, और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम बायबैक करेंगे। बायबैक कितना करेंगे? हम करेंगे बायबैक 25%। अब आप बताइए 25% बायबैक करेंगे तो 1,00,000 रुपए का कितना करना है? तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा? सीआरआर। तो जवाब मुझे बताइए, सीआरआर कितना बनाए? आंसर है सीआरआर बनेगा, क्योंकि जितना बायबैक होगा उसका फेस वैल्यू का है, ऐसा नहीं कि 1,00,000 का बना देना। जितना बायबैक होगा, क्योंकि बायबैक 1,00,000 शेयर है, इसका 25% करेंगे तो 1,00,000 का कितना बायबैक होगा? 25%। ऐसे सिचुएशन में 1,00,000 का 25% का मतलब क्या अमाउंट आ जाएगा हमारा? 25,000। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? चलिए एक और एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000 का, और कंपनी ने डिसाइड किया है बायबैक करेगा 10% प्रीमियम पे, एट 10% प्रीमियम, और 100% ये पूरा बायबैक हो रहा है, बायबैक का ही लिख दिया 10% प्रीमियम पे। अब बताइए सीआरआर कितना बनाना है? मैंने कहा फेस वैल्यू का, तो 1:10 नहीं करना, पेमेंट हमें 1:10 करना है, लेकिन सीआरआर बनेगा कितने का? 1,00,000 का। बिल्कुल प्रीमियम पे बायबैक होता ही है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम मार्केट प्राइस को कंपेयर करते हैं ना। अभी रिलायंस ने बायबैक किया था,
याद होगा कोविड में बड़ी सारी कंपनी ने बायबैक किया है, तो उसने कितने पे किया था, 800, 700, 600, 300, जितना मार्केट प्राइस है। 4000 वाला शेयर टूटता टूटता 300 रुपये आ गया, तो अगर मैं 300 पे भी बायबैक करूंगा ना तो 10 रुपये से तो ज़्यादा ही है, तो प्रीमियम पे ही होगा। समझ में आई बात आपको? वो तो कंपेयर क्या कर रहे हैं यार, 4000 वाला 300 हो गया, जल्दी से बायबैक कर लो। और जैसे ही बायबैक की न्यूज़ आती है ना, शेयर बढ़ने लग जाता है। उसे लगता है कि बायबैक कंपनी कर रही है तो कंपनी साउंडेड है, उसके पास बहुत प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से ही बायबैक कर रही होगी, इस कंपनी से पैसा निकालना बेवकूफ़ी है, वापस खरीदो। तो कंपनी ने खरीदने का अनाउंसमेंट किया, लोग बाग खरीदने लग जाते हैं। और कंपनी अगर मार्केट में चल रहा हो ना 20 रुपये, कंपनी बोलती है हम 40 में खरीदेंगे, जिसके पास 40 रुपये में बेचना मुझे बेच के जाओ, तो लोग तो ऐसे परेशान हो जाते हैं यार 20 रुपये में तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे और कंपनी 40 का खरीदेगी। तो ये क्या करते हैं कि बायबैक सब खरीद लेते हैं, और जिस दिन कंपनी बायबैक करेगी उस दिन ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस 40 रुपये तक पहुँच जाता है, तो एक प्राइस भी ऊपर बढ़ जाता है ये, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट करिए, इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर क्या देखने वाले हैं। हमने दो क्लासेस देखा, पहले में कंडीशन और सेकंड में सोर्सेज देख लिया। अब अगली क्लास में हम देखेंगे जर्नल एंट्री, सिंपल सा है, जर्नल एंट्री के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है सारा।